लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राजगढ़ लोकसभा सीट से मोना सुस्तानी के नाम का ऐलान किया गया। वहीं पर उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद मोना समर्थकों ने जश्न मनाते हुए जमकर आतिशबाजी की। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में एक के बाद एक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। हाल ही में जारी हुई कांग्रेस की लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 प्रत्याशी शामिल हैं, जिसमें राजगढ़ लोकसभा सीट से इस बार मोना ललित सुस्तानी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मोना सुस्तानी के नाम की घोषणा होने के बाद पचोर के गांधी चौक पर समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस पार्टी ने राजगढ़ लोकसभा के लिए हमारे लोकप्रिय जुझारू कर्मठ, ईमानदार, काफ़ी लंबे समय से पार्टी की सेवा करती आ रही श्रीमती मोना सुस्तानी जी को उम्मीदवार बनाया है। हम माननीय राजा साहब और वरिष्ठ सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिनने कि आज हमारे बीच में एक लोकप्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र और सीट भारी बहुमत से जीतेंगे। और माननीय राजा साहब के प्रति हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं, जो इतना अच्छा उम्मीदवार हमको दिया है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और यहाँ की जनता को बधाई देता हूँ कि क्षेत्र की लोकप्रिय नेत्री और जुझारू उम्मीदवार और एक ऐसा परिवार जो वर्षों से सतत लोगों के संपर्क में सेवा करता आया है, उसी परिवार की बहू और को यहाँ पर राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से माननीय हमारे नेता राजा साहब ने प्रत्याशी घोषित किया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। मोना सुस्तानी का मुकाबला भाजपा के रोडमल नागर से होगा, जो वर्तमान में सांसद हैं। फिलहाल राजगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पचोर से राजेंद्र यादव की रिपोर्ट।